नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल आर्ट्स मास्टर पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 की, जो कि आपका विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। ओके, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें बनते हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं बनते हैं, एक दो ही प्रश्न बनते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, और उसी में से क्वेश्चन पूछता है आपको। ओके, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है इस चैप्टर का, आयकर व्यवस्था के विषय में आप क्या जानते हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए देखते हैं क्या होता है आयकर व्यवस्था। तो दोस्तों, आयकर व्यवस्था एक नई व्यवस्था थी जो कि विजयनगर साम्राज्य में शामिल किया गया था। ओके, चलिए देखते हैं। विजयनगर राज्य ने प्रचलित स्थानीय प्रशासन में परिवर्तन कर आयकर व्यवस्था आरंभ की। ठीक है दोस्तों, क्या कहना चाह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य में जो पुरानी प्रचलित व्यवस्था थी प्रशासनिक, उसमें बदलाव लाया गया और नया व्यवस्था जोड़ा गया, जिसे नाम दिया गया क्या, आयकर व्यवस्था। ठीक है, प्रत्येक ग्राम को स्वतंत्र प्रशासनिक इकाई के रूप में गठित कर प्रशासन 12 व्यक्तियों के समूह को दिया गया। यानी कि इस प्रशासन व्यवस्था में, किसमें, आयकर व्यवस्था में, कितने 12 भागों में प्रशासन को डिवाइड किया गया था और ये 12 व्यक्तियों को में सौंप दिया गया था। ठीक है, यह समूह आयकर कहलाता था। यानी कि जो 12 व्यक्तियों का समूह है वह क्या कहलाता था, आयकर कहलाता था। ये व्यक्ति राजकीय अधिकारी थे, इनका पद अनुवांशिक था। ठीक है दोस्तों, और ये जो भी व्यक्ति थे 12 के 12 क्या थे, राजकीय अधिकारी होते थे और इनका पद अनुवांशिक था। आयकर ग्राम प्रशासन की देखभाल करते एवं शांति व्यवस्था बनाए रखते थे। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये जो 12 अधिकारी थे उनका काम क्या था, ग्राम प्रशासन की देखभाल करना और उसमें शांति बनाए रखना। ठीक है, वेतन के रूप में इनको लगान दिया जाता था या फिर कर मुक्त भूमि दी जाती थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्या होता था उनके वेतन के रूप में, लगान और कर मुक्त भूमि यानी कि टैक्स फ्री भूमि दी जाती थी उनको वेतन के रूप में। ठीक है, और इस पूरे व्यवस्था को नाम दिया गया क्या, आयकर व्यवस्था। ओके दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, VVI प्रश्न है, जरूर देखे जाएगा इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न कह सकते हैं, दो नंबर के लिए। ओके, अगला है विजयनगर की स्थापत्य कला की विशेषताओं का वर्णन करें। ओके दोस्तों, यह भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी दो में से कोई एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा दो नंबर में। चलिए देखते हैं क्या है इसकी विशेषता। विजयनगर स्थापत्य शैली में चोल, चालुक्य, पल्लव तथा होयसल श्रेणी का मिश्रण मिलता है। यानी कि यह जो स्थापत्य कला है विजयनगर की, उसमें बहुत सारे शैलियों का मिश्रण है। किसका है, चोल, चालुक्य, पल्लव तथा होल, इन सब का मिश्रण देखने को मिलता है इसमें। ठीक है, विठल स्वामी मंदिर एवं विरूपाक्ष मंदिर इस शैली के महत्वपूर्ण उदाहरण है। ओके, इनमें ग्रेनाइट पत्थरों के साथ साथ शिल्प कला में सेल कढ़ी के पत्थरों का भी उपयोग किया गया है। यानी कि इस स्थापत्य कला में ग्रेनाइट पत्थर का भी इस्तेमाल होता था और सेल खड़ी के पत्थरों का भी इस्तेमाल किया गया है। स्तंभों को जानवरों तथा पौराणिक हिंदू कथाओं से सजाया गया है। मंडप चबूतरों पर बने हैं तथा मंदिरों में भव्य गोपुरम भी है। ओके दोस्तों, मंदिर के तीन भाग होते हैं, एक हमारा प्रवेश द्वार होता है, बीच में चबूतरा होता है, ठीक है, और लास्ट में हमारा एक भवन होता है जिसमें भगवान को रखते हैं। ठीक है, यह तीन पार्टों में मंदिर डिवाइड होता है। तो पहला पार्ट यानी कि प्रवेश द्वार को हम गोपुरम कहते हैं, बीच वाले को हम मंडप कहते हैं, जहाँ पे बैठकर हवन वगैरह कीर्तन वगैरह के लोग करते हैं। ठीक है, और जहाँ भगवान की मूर्ति होती है उसको हम गर्भगृह कहते हैं, और इसी तीन भागों में मंदिर डिवाइड होता है। ठीक है, तो वही बोला है यह जो मंडप है यानी कि बीच का जो भाग है वो क्या है, चबूतरों पर बना होता था और मंदिर में क्या होते थे, भव्य गोपुरम होता, यानी कि प्रवेश द्वार होता था मंदिरों में। ओके, फिर हमारा है विजयनगर साम्राज्य की उपलब्धियों का वर्णन करें। ठीक है दोस्तों, ये आपके 5 नंबर के लिए है, इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर बोले, अगर पूछ सकता है तो यही आपसे पूछेगा 5 नंबर के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी उपलब्धि थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने 14वीं शताब्दी में किया था। ठीक है, हम जानते हैं कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी और किसने किया था, हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। ठीक है, इनकी उपलब्धियां निम्न है। पहला है, यह साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर प्रायद्वीप के सुदूर में दक्षिण तक फैला हुआ था। यानी कि जो आपका कर्नाटक में जो कृष्णा नदी है, ठीक है, वहां से लेकर यह दक्षिण में पूरे दक्षिण तक फैला हुआ था दोस्तों। 1565 ईस्वी में इस पर आक्रमण करके इसे लूटा गया और बाद में यह उजड़ गया। ठीक है दोस्तों, यह क्या हुआ था, विजयनगर साम्राज्य पर आक्रमण किया गया था 1565 में, और उसके बाद यह साम्राज्य क्या हो गया, इस साम्राज्य का पतन हो गया। सेकेंड है, विजयनगर को विजयों का शहर कहा जाता है। विजयनगर शब्द शहर और साम्राज्य दोनों के लिए प्रयोग किया जाता था। ओके दोस्तों, क्या कहना चाह रहा है,
यह जो विजयनगर शब्द है यह शहर के लिए भी इस्तेमाल होता था और साम्राज्य के लिए भी इस्तेमाल होता था। थर्ड है, विजयनगर शैली के भवन तुंगभद्रा नदी के संपूर्ण दक्षिण क्षेत्र में फैले हैं। यहाँ की स्थापत्य कला का प्रमुखता तीन भागों में विभाजित की जाती है। पहला है धार्मिक, दूसरा है राजशाही, तीसरा है नागरिक। ठीक है, स्थापत्य कला को तीन भागों में डिवाइड किया गया है, धार्मिक, राजशाही और नागरिक। विजयनगर शैली में चालुक्य, होयसल, पल्लव एवं चोल शैलियों का मिश्रण देखने को मिलता है, जो कि पहले देख चुके हैं। मंदिर के स्तंभ की विविध एवं जटिल सजावट विजयनगर शैली की प्रमुख विशेषता है। ठीक है दोस्तों, क्या कहना चाह रहा है कि मंदिर में जो स्तंभ होते हैं उसमें क्या है डिजाइन, उनका डिजाइन जो किया जाता है वही क्या है उसकी बहुत बड़ी विशेषता है विजयनगर की। ठीक है, नेक्स्ट है, हम्पी के मंदिरों में वर्गाकार या चार से अधिक भुजाओं वाले चबूतरों पर मंडप बने हुए हैं। अभी ऊपर देखा हम लोगों ने कि मंडप क्या होते थे, चबूतरों पर बने होते थे। ठीक है, कुछ स्तंभों पर मूर्तियां बनी हैं और स्तंभों के दूसरी ओर हिंदुओं की पौराणिक कथाओं के चित्र बने हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो यह थे विजयनगर साम्राज्य की उपलब्धि। ठीक है, इसको आप नेगलेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपके ऑप्शन बहुत सारे मिल जाएंगे। ओके, इस चैप्टर से यही तीन इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसी तीन में से कोई प्रश्न आपको मिलेगा, इसके बाद शायद ही न के बराबर चांस है इसको देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि जो भी वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। ओके दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को अंत तक देखने के लिए।